अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गल्फ जॉब सॉल्यूशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं US के वीज़ा के बारे में। तो भाइयों, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो USA यानी अमेरिका जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का एक तरह का ये ड्रीम होता है, ख्वाहिश होता है वीज़ा लेने का अमेरिका का, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में जॉब करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जब भी वहाँ पे जॉब मिलता है तो लोगों की लाइफ पूरी तरह से सेटल हो जाती है। तो साथियों, उसी के रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमेशा जॉब के रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो आते रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाइयों, मैं आपको बता दूँ, USA में हर 10 लोग को जो वीजा दिया जाता है उनमें से एक इंडियन वीजा होता है। यानी यदि 10 पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री के लोग वहां पे आते हैं उनमें से 10 वीजा वाले जो होंगे उनमें से एक उसमें इंडियन होगा, यानी 10 में से एक लोग कंफर्म है वो इंडियन ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंडियन लोगों को वीजा दी जाती है अमेरिका की तरफ से। अब दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, नीचे मैं आपको खबर में आपको शो भी कर रहा हूं, US सेट वीजा रिकॉर्ड इन इंडिया इन 2023 थ्रू स्टाफिंग इंक्रीज इनोवेशन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। साथियों, 2023 में अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा इंडियन लोगों को वहां पे वीजा दिया गया स्टाफ के तौर पे। यानी अमेरिका में बहुत ही ज्यादा इंडियन लोगों को वीजा को इशू किया गया। वहीं बताया ये भी जा रहा है, जनवरी 29 और 24 न्यू दिल्ली US कॉन्सुलर टीम इन इंडिया प्रोसीड मोर वीजा देन एवर बिफोर 2023 ब्रिंग डाउन विजिटर वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स 75%। दोस्तों, ये हमेशा से बढ़ता आ रहा है। अब दोस्तों बता दूं आपको, 2023 में US MB कॉन्सुलर की तरफ से ये बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से लगभग 1.4 वीजा इशू किया गया था इंडियन लोगों के लिए, यानी लगभग 14 लाख से भी ज्यादा वीजा को इशू किया गया था। तो भाइयों, आप लोग ये सोचते हो कि अमेरिका का वीजा लेना मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा नामुमकिन टाइप का है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीजा अमेरिका का इशू हो रहा है, आप लोग वीजा लेना चाहते हो तो वीजा ले सकते हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास सारी वो चीजें होनी चाहिए जो वहां पे मांगा जाता है, यानी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद अमेरिका बिल्कुल भी आप जा सकते हो। दोस्तों, अमेरिका जाने का दो तरीका होता है, एक तो आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, एक डायरेक्ट वहां पे आपके डिग्री के थ्रू जा सकते हो। यदि आपके पास डिग्री है, आप मतलब एग्जाम में क्वालिफाई किए हो, तो वहां उसके लिए भी जॉब के लिए जा सकते हो। पर यदि आप ये चाहते हो कि आप अब फ्रेशर हो, आपको थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं आता है, आपके पास कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं है, या फिर आप लोग इंटरमीडिएट हो, सिंपल ग्रेजुएशन हो, तो आप लोगों को उस तरह का लोगों को वहां पे जॉब नहीं मिलती है। अच्छे डिग्री वाले को या फिर अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी वाले को ही वहां पे जॉब मिलती है, क्योंकि आप चाहोगे कि लेबर वगैरह में आप वहां पे जाने के बारे में, तो वो आप बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर यदि आप कोई व्हाइट कॉलर वाले जॉब में जाना चाहते हो, जा सकते हो। साथ ही ये वहां से अपडेट्स ये भी आ रही है, विजिटर वीजा B1 एंड B2 हैव बीन रिबॉन्डेड रिप्रेजेंट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन। साथियों, अमेरिका का सब जो B1 और B2 जो वीजा होता है वो सबसे ज्यादा वहां पे एप्लीकेशन में डाला गया था, लगभग 7 लाख से भी ज्यादा ये वीजा को डाला गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी USA से आ रही थी, जिन लोगों का मन में सवाल था कि वीजा इशू नहीं होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।